मैंने मीशो पे ये वाले स्मार्ट वॉच देखा था जहाँ पे आप सिम डाल सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, सारे सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, काइंड ऑफ आप एंड्रॉइड फोन के जैसा अपने वॉच को यूज कर सकते हो। बस क्या हम इसको मंगा लिए, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्या है इस वॉच की रियलिटी देखते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो कर दो भाई। तो बॉक्स खोलोगे, यहाँ पे आपको एक और बॉक्स मिल जाएगा दोस्तों। और ये जो वॉच है दोस्तों S8 अल्ट्रा एंड जो ब्रांड है हैरी फाइन, और ये जो प्रोडक्ट है मेड इन चाइना है दोस्तों। और ये वॉच बिल्कुल एप्पल वॉच के जैसा दिख रहा है दोस्तों। चलो बॉक्स में क्या कुछ मिलता है हमें तो वो देख लेते हैं। ओके भाई साहब, तो यहाँ पे भाई सारी सामग्री रखी गई है। यहाँ पे आपको स्ट्रैप मिल जाता है और इसकी क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, सिलिकॉन मटेरियल वाला है। बाकी यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा रखा हुआ है स्मार्ट वॉच दोस्तों। इसका जो बिल्ड है साइड साइड में आपको मेटल मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भाई मेरे को ठीक लगा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका क्रॉन है लो क्वालिटी का दिया गया है। वॉच डिजाइन भाई तो काफी प्रीमियम दिख रहा है भाई, काफी मस्त दिख रहा है। इसका लुक काफी मेरे को अच्छा लगा। बाकी जो इसका क्रॉन दिया हुआ है इसमें भी आपको एक बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको माइक होल मिलता है और ये ऑन ऑफ वाला बटन है। लेफ्ट साइड में आपको एक डेडिकेटेड अलग बटन मिलता है और भाई आपको इनबिल्ड स्पीकर मिल जाता है और बैक साइड पे आपको सारे सेंसर दिए गए हैं दोस्तों। इनका मैंने वेबसाइट चेक करा भाई, वेबसाइट पे मतलब कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, बस इनका ऐप मिल जाता है जिससे आप इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भाई इस वाले वॉच की मेरे को फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे और जो मैंने मीशो से परचेज करा है कहीं पे भी ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं डाली गई है। लेकिन हाँ भैया मीशो पे तो मिसलीडिंग हो रहा है ना, वहाँ पे भाई क्या बोला जा रहा है कि एमुलेट डिस्प्ले है। भाई इसके डिस्प्ले देखो, एक तो भाई बेजल्स इसके इतने बड़े बड़े दे रखे है ना भाई, पूरा में तो बज्जा सा भाई बेजल्स ही दिख रहा है। और डिस्प्ले की क्वालिटी अथू वाली है, एकदम बेकार से कलर से देखने को मिलते हैं वॉच के। और इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी आउटडोर में उतनी कोई खास नहीं है दोस्तों, डिस्प्ले अच्छे से विजुअल नहीं होता है। अब भाई ब्रांड क्लेम करता है इसमें कि 20 आवर्स की ये बैटरी बैकअप निकाल कर देता है। अब मैं भाई इसको चार्ज कर करके परेशान हूँ बी रोल लेने के लिए। चार्जिंग भी इसकी बिल्कुल भी टिक नहीं रही है भाई। इसमें आप ऊपर से स्वाइप अप करोगे ना तो नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है और नीचे से स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे भाई सारे डोंगल्स आ जाते हैं। और ये जो साइड में डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है ये सारे वर्कआउट को एक्सेस करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप रनिंग वगैरह को एक्सेस कर सकते हो, वेल्किंग वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। और इसका जो क्रॉन है टाइप करने से ना भाई इसका मेन मेन्यू खुल जाता है और यहाँ पे मेन मेन्यू देख सकते हो इसका दोस्तों। अच्छा दिया हुआ है मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका टच रिस्पॉन्स भी उतना कोई खास नहीं है। और रिस्ट बैकअप तो इसमें दिया ही नहीं गया है भाई, आपको जो है इसका बटन को टाइप करना पड़ेगा तब जाके इसकी डिस्प्ले विजुअल होती है, आप टाइम वगैरह देख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप ये वेट कर रहे हो कि इसमें सिम डलता है तो भाई सिम नहीं डलता है, मीशो वाले भाई पूरा मिसलीडिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है तो आप कॉल वगैरह कर सकते हो, इससे डायलर पैड मिल जाता है तो आप नंबर डायल करके ना दोस्तों कॉल कर सकते हो और इसमें आप कॉन्टेक्ट वगैरह भी सेव कर सकते हो। बाकी हाँ इसमें अलार्म मिल जाता है और 2-3 वर्कआउट मोड भी दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको कैमरा शटर भी मिल जाता है कि इसमें फाइंड माई डिवाइस मिल जाता है और आपको म्यूजिक कंट्रोल भी मिल जाता है। ट्विटर फेसबुक व्हाट्सअप दिया हुआ है लेकिन उस पे सिर्फ आप मैसेज देख सकते हो दोस्तों, वहां से आप मैसेज वगैरह नहीं कर सकते हो। और वॉच फेसेस भी कुछ ही दिए गए हैं दोस्तों, आपको कुछ ही वॉच फेसेस मिलते हैं। मेरे को तो लग नहीं रहा था कि ऐप भी होगा इस वाले वॉच का, लेकिन ऐप पे मैं गया ना भाई मेरे को ऐप अच्छा लगा भाई। यहाँ पे आप देखो होम स्क्रीन इसका तो काफी यूजर फ्रेंडली है इसलिए आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। बाकी मैंने ऐप पे जाकर देखा ना तो काफी वॉच फेसेस मेरे को मिल रहे थे वहां पे, लेकिन सब पेड थे भाई, सबके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि कुछ कुछ वॉच फेसेस है जो कि फ्री है दोस्तों, आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आप अपना फेस वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हो वॉच फेसेस पे। और भाई इसका जो सेंसर वगैरह दिया हुआ है ना पीछे में, ये सब नाम के लिए दिया हुआ है, इसकी एक्यूरेसी एकदम बेकार सी है भाई। मैं पहले अपना हार्ट रेट चेक करा ना भाई 95 आ रहा था और फिर मैंने लेंस का चेक करा ना भाई 97 आ रहा था, कुछ ऐसा ही बीरोल में देख लेना आप। यहाँ पे भाई ये लेंस वगैरह का भी हार्ट रेट दिखा दे रहा है भाई। बाकी वॉच ऐप के साथ काफी अच्छे से पेयर हो गया था, बट मैं इसका ब्लूटूथ कॉलिंग कनेक्ट कर रहा था वो कनेक्ट नहीं हुआ दोस्तों, बार बार फेल्ड बता रहा था, तो इससे ब्लूटूथ कॉलिंग आई थिंक नहीं हो पाएगी, सिर्फ शो में ही रह जाएगा। यहाँ पे जो चीजें इसमें दी गई है ना भाई सब जगहों पे ना एवरेज काम किया गया। अब यहाँ पे जो मीशो वाले मेरे को दिखाए थे कि भाई इसमें सिम डलता है, यूट्यूब देख सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो और जो डिस्प्ले है एमुलेट है भाई और 20 आवर्स की बैटरी लाइफ है, ये सारी चीजें ना सरासर फेक है भाई, ये झूठ था। बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको हर एक फीचर्स मिल जाएगा दोस्तों। देखो ये जो वॉच है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे और महंगा मिलता है भाई, 700-800 का मिलता है और मेरे अकॉर्डिंग मीशो पे जितना का मिला है ना 555 रुपए का, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा,
बताऊंगा आपको कि अगर आप 600 से ऊपर किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए पे कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप एक अच्छा स्मार्ट वॉच लो दोस्तों। बाकी आप बता रहे कमेंट करके कि आपको ये वॉच कैसा लगा, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।